देखिए गाइस, हमारा तो स्पेशल कोरमा रेडी हो चुका है मम्मी की रेसिपी से। ये कबीर की चोकोबार और मेरी बैंगो वाली है। गाइस, आदि में तो आज मुंबई के लिए निकल गए हैं, मुंबई जा रहे हैं। उनकी इतना आंधी तूफान है, ये देखिए बबूला। ओ भाई, हमारा तो खाना पीना मस्त एकदम हो चुका है और हम आ चुके हैं अपने बरामदे में। और हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो वेदर वेकेशन कुछ ऐसा है, हमने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। सुबह के बज रहे 7:45, तो आज हम लेट हो गए, 15 मिनट लेट है, तो कोई बात नहीं, कभी को रेडी करते हैं और स्कूल छोड़कर आते हैं। तो अभी देखते हैं कभी का मूड कैसा है, उठाते हैं चलकर और कभी को रेडी करने के बाद स्कूल छोड़ कर आएंगे। तो फिलहाल बने रहिएगा एंड तक और देखते रहिए अरकान सिद्दीकी ब्लॉग्स। चलते हैं कभी को स्कूल छोड़ने के लिए। और कभी आज खुशी खुशी जा रहा है और थोड़ा लेट भी है आज, तो आज भी मुझे लगता है कि प्रिंसिपल सर की सुननी पड़ेगी। चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे वहीं जाकर। जाओ जल्दी से। तो मम्मी क्या बना रही हो, शीर बना रही हो क्या? नहीं, कोरमा। कोरमा तो मम्मी बना रही है आज कोरमा। तो देखिए कोरमा में कितने ड्राई फ्रूट डाल रही है, गोरा, बादाम, काजू और तुम्हारे ये मगज, देखिए कितने सारे ड्राई फ्रूट है। मैं सोच रहा था कि शीर बना रही है मम्मी, शीर कोरमा, मगर कोरमा बना रही है मम्मी। बोल रही है कि मैं शीर भी बना दूंगी जब तू गएगा। तो अभी मम्मी कोरमा बना रही है, आज कोरमे की सुबह सुबह तैयारी है। तो अजीम भाई जा रहे हैं आज मुंबई, तो मम्मी इसलिए सुबह सुबह जल्दी से कोरमा रेडी कर रही है, तो अजीम भाई भी खाकर चले जाएंगे। तो ये देखिए मम्मी तो सुबह सुबह लग गई है और हम भी सुबह सुबह लग जाएंगे, सफाई करते हैं मम्मी के साथ। तो मम्मी तो कोरमा रेडी करेंगी तो सफाई हम खुद करेंगे, है ना मम्मी। चलिए मिलते हैं आपसे बाद में। चलिए गाइस चलते हैं मार्केट। मार्केट से मम्मी ने मंगाई है दही, क्योंकि अजीम भाई जल्दी से निकलेंगे, क्योंकि ट्रेन वो दिल्ली से पकड़ेंगे, तो उनको जल्दी से मम्मी रेडी करके दे देगी। तो मार्केट जा रहे हैं, मिलते हैं मार्केट जाकर। तो गाइस मैं तो आ चुका हूँ मार्केट, यहाँ से सामान लेते हैं फिर चलते हैं। इमरान भाई ब्रेड पकौड़े वाले, मम्मी जो है कोरमे के लिए प्याज ब्राउन कर रही हैं, और ये मखाने तो मम्मी ने कर लिए हैं, घी में फ्राई कर लिए हैं, और ये कोरमे की प्याज ब्राउन हो रही है। आगे को मैं आपको दिखाता रहूंगा, तो ये जेसीपी मैं आपको रेसिपी दिखाऊंगा, कोशिश रहेगी कि मैं आपको पूरी दिखाऊं। तो भी मम्मी ने देखिए इसमें मसाला डाल दिया है, जो कि मैं आपको पहले भी दिखा चुका था, ड्राई फ्रूट वगैरह, धनिया मिर्चे, तो ये मिक्सर में ग्राइंड करके मम्मी ने इसको इसमें डाल दिया है, और आगे का प्रोसेस आप देखेंगे। देखिए हमारी प्याज भी ब्राउन हो चुकी है, और प्याज और मखाने को एक साथ मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। देखिए गाइस कबीर देखिए क्या लेकर आया, इतनी मिर्चों की चीज लेकर आया है, बोल रहा कि मैं खा लूंगा मिर्चों की चीज भी, और देखो स्कूल से भी आ गया है, और आज ये पूरे दिन रोया है बच्चा, है ना, है ना, मतलब अभी एकदम छोड़ के आऊं एकदम तुम्हें लेके आ जाऊं, ये गंदी बात होती है, पढ़ाई कौन करेगा। अच्छा है कि मैं ना इसको बिना छुट्टी के इसको लेने आया हूँ, और इसके ऊपर क्लास में लेने आया हूँ, तो है ना नर्सरी क्लास की 10:30 बजे छुट्टी हो जाती है, तो ये नीचे आ जाते हैं, तो आज तो पता नहीं क्यों नहीं आया, साइंस सर शायद इसके नहीं थे स्कूल में, कहीं गए होंगे, तो आज तो ऊपर से ही मैं लेकर आया, मगर इसको बिना छुट्टी के लेकर आऊँ, मतलब 11:30 से पहले से इसको लेके आऊँ और ऊपर से लेके आऊँ, तो ये बोल रहा है ना, कभी ये बोल रहे थे ना आप, है ना, लो ये आपकी चीज है, खा लो, चलो खुश हो। देखिए गाइस मम्मी ने तो बघार को और मखाने को एक जगह इसको मिला दिया है ग्राइंड करके, और ऊपर इसमें मसाले भी है, जीरा, हरी इलायची और भी बहुत चीजें होंगी, वो मम्मी बताएंगी क्या क्या है बाद में। देख सकते हैं मसाला भुन रहा है, और इसमें भुनते भुनते घी भी आ जाएगा ऊपर से, तो भी मसाला भुन रहा है, और ये भी अभी डलना बाकी है, तो ये भी डलेगा, और देख सकते हैं अभी से इतना टेस्टी लग रहा है, तो बनने के बाद तो अलग ही टेस्ट आएगा। देखिए गाइस हमारा तो स्पेशल कोरमा रेडी हो चुका है मम्मी की रेसिपी से, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, और घी भी सब आ चुका है इसमें, भुनते भुनते देखो घी भी आ गया है, और बाकी का जो मैंने मटेरियल आपको दिखा रहा था वो भी डल चुका है इसके अंदर, और हरी इलायची आप देख सकते हैं, तो रेडी हो चुका है, और थोड़ी देर में खाना रोटी भी रेडी हो जाएंगी, फिर खाएंगे सब एक साथ बैठ कर। तो खाने का टाइम हो चुका है और खाना खाते हैं, फिर उसके बाद में मिलते हैं। तो देखिए कोरमा बनाया हमारा आज, इसकी आपको मैंने रेसिपी भी दिखाई है, देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है, और खाने के बाद बताएंगे आपको, है ना कभी बिल्ली चाटा।
हमारा तो खाना पीना मस्त एकदम हो चुका है और आज मम्मी ने बहुत जबरदस्त कोरमा बनाया। मतलब आप उसकी रेसिपी तो देख ही चुके हैं, जैसी भी मैंने आपको दिखाई, तो बहुत स्पेशल तरीके से मतलब कोरमा बनाया, बहुत बढ़िया। मतलब ड्राई फ्रूट वगैरह सब डले हुए थे, तो बहुत अच्छा बनाया था। और अब माशाल्लाह आज अजीम भाई का हमारा बर्थडे भी था, सुबह से मैं जिक्र नहीं कर पाया मगर अब जिक्र कर रहा हूँ। और ये मम्मी ने अजीम भाई के लिए बनाया था बर्थडे स्पेशल, तो मुझे खुद नहीं पता था मगर मम्मी ने बाद में बताया, तो बहुत अच्छा कोरमा और था। सबने तारीफ की, पापा ने भी, अजीम भाई ने भी, और मैंने तो आपको दिखाया और मैं आपको बोल भी चुका था कि टेस्ट करने के बाद बताऊंगा। तो मतलब जितनी कोरमे की तारीफ की जाए उतनी कम है, और आप भी उतना ही प्यार दें जितना कि हमने अपना प्यार दिया तारीफ की मम्मी की। तो मम्मी की ये रेसिपी थी, तो ज्यादा से ज्यादा प्यार देना। फिलहाल सोच रहे हैं थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, तो बने रहिएगा एंड तक और देखते रहिए अरकान सिद्दीकी ब्लॉग। कभी इनकी जिद चालू है, कल इतनी सारी फरमाइश इसकी पूरी हुई और आज फिर इसकी फरमाइश जारी है। अब बोल रहा है कि सेंटा क्लॉज के कपड़े दिलाओ, मुझे फोन दो, मैं ऑनलाइन बुक करूंगा। तो बोल रहा है कि मैं ऑनलाइन बुक करूंगा, मुझे अपना ऐप खोल के दो, अमेजोन या गूगल खोल के दो, मैं खुद बुक कर लूंगा, खुद ऑर्डर कर दूंगा। देखो कैसे रो रहा है, देखो कितना रो रहा है बच्चा, आंसू तो दिखाई नहीं दे रहे, और नहीं भाई आंसू भी दिखाई दे रहे। तो आप कमेंट करके बताएं इसको दिलाने चाहिए या नहीं दिलाने चाहिए। अभी तो मैं इसके लिए देख लूंगा, मगर ऑर्डर तब करूंगा जब आप बोलेंगे कि हाँ दिलाने चाहिए। सेंटा क्लॉज के कपड़े चाहिए, पर सेंटा क्लॉज तो ठंड में आता है, वो खुद ही आता है, खुद ही कपड़े देके जाएगा आपको। नहीं देके जाता। अच्छा जी, बोल रहा है क्या वो सेंटा क्लॉज कपड़े देके नहीं जाता। तो अभी मैं इसको दिखा देता हूँ और उसमें डाल देंगे, अपना एक सेव करके रख लेंगे, जब आप कमेंट करके बताएंगे तभी इसको हम कपड़े दिलाएंगे सेंटा क्लॉज के, इससे पहले नहीं। तो आप कमेंट करें ज्यादा से ज्यादा दिलाने चाहिए कबीर को या नहीं। तो ये देखिए गाइस, हमने अमेजोन ऐप ओपन कर लिया है और ये देखिए कबीर को मैं दिखा रहा हूँ सेंटा क्लॉज के कपड़े। तो कहीं पर कुछ प्राइस है, कहीं पर कुछ का प्राइस है। तो ये बड़ा साइज है, इसमें 767 प्राइस है और इसमें 349 प्राइस है, ये बच्चों का है। तो ये छोटे बच्चों का है, शायद बेबी बहुत छोटे, बिल्कुल शायद एक साल के बच्चों का हो, देखते हैं ना कितने साल के बच्चे का है। 12 मन एक साल के बच्चे का, हमारा कबीर तो 3 साल का है। इसमें कबीर के कपड़े हैं? कबीर आपके साइज के तो कपड़े मिल ही नहीं रहे इसमें। मिलेंगे ये है ना 349, तो ये बड़ों का है। कबीर आपके साइज के तो मिल ही नहीं रहे हो। मैं क्या करूंगा, मैं तो नहीं पहनना। कबीर आपके लिए ये मग बुक कर दूं? कपड़े चाहिए, कपड़े तो मिल ही नहीं रहे। कौन से कपड़े दें आपके लिए? साइज तो अंदर ही मिल जाएगा, मुझे बच्चों को चाहिए। साइज तो मिल जाएगा अंदर, है ना कभी? हाँ, मुझे बच्चों को चाहिए। तो ये कबीर के साइज के कपड़े हैं। अब टेरी भी ऑनलाइन बुक कर दो। 3 से 4 ईयर तक के बच्चे के हैं। टेरी भी ऑनलाइन बुक कर दो। अबे कबीर कितने महंगे हैं यार। नहीं नहीं 399 400 के हैं। और देखिए हमारा एड्रेस वगैरह सब डाला हुआ है। हाँ। है ना? संडे दिखा रहा है, संडे को आएगा, मगर अभी मैं अभी आपको नहीं दिलाऊंगा, जब तक कमेंट नहीं आएगा ना सबके तब तक नहीं दिलाऊंगा बेटा, अभी नहीं। तो गाइस ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और बताएं कबीर को ये कपड़े दिलाने चाहिए या नहीं। देखिए बाहर बैठकर सेंटा क्लॉज के कपड़ों का वेट कर रहा है, अभी नहीं आएंगे, अभी बाद में आएंगे। चलो आइसक्रीम खाओगे? आइसक्रीम हाँ जल्दी आ जाओ भाई, आइसक्रीम निकाल देना, एक तो ये डब्बे वाली निकाल दो, ये निकाल दो छोटी। कभी अपना अपनी पसंद से लेगा, दिखा देना इसे, दे दो। कौन सी ले रहे हो तुम?
मुझे कच्चा आम है। हाँ भाई कच्चा आम नहीं है, ऑरेंज वाली दे देना। मम्मी आपकी डब्बे वाली आइसक्रीम, मम्मी ने तो डब्बे वाली आइसक्रीम मंगवाई थी है, और कभी लेके आया चोकोबार, और मैं मैंगो वाली लेके आया हूँ अपने लिए, है ना कभी। हाँ मैं भी खा रहा हूँ, नानी भी खा रही है। हाँ मैं भी खा रहा हूँ। ये कबीर की चोकोबार और मेरी मैंगो वाली है। मैंगो तो बहुत अच्छी है, मैं ऑरेंज मांग रहा था उनसे, मगर मैंगो अच्छी है। कबीर आपकी भी अच्छी है? मेरी तो चोकोबार अच्छी है। अच्छी है। देखना कबीर कैसा बिल्ली चाटा मुंह हो गया, देखो कितना गंदा मुंह कर लिया। बिल्ली चाटा हमारी बिल्ली है, ये बिल्ली नहीं बिलाव है, हमारा बिलाव है ना कबू, बिलाव हो ना बिलाव। हाँ सेंटा क्लॉज के अभी नहीं आएंगे जब तक सब कमेंट नहीं करने के ना, जब तक नहीं आएंगे। अभी गए दादी मैं तो आज मुंबई के लिए निकल गए हैं, मुंबई जा रहे हैं उनकी साइड पर अपनी, तो निकल गए हैं और 5 बजे की ट्रेन है उनकी, 5 बज चुके भी हैं, और फोन करके पूछते हैं कि ट्रेन आ गई बैठ गए आराम से या नहीं। तो अभी मम्मी से मैं कॉल कराऊंगा या मैं ही कॉल करूंगा अजीम भाई को। तो अजीम भाई मुंबई गए फिर दोबारा से, अभी रमजान में गए थे जब अपनी साइड देखने के लिए गए थे, और अब माशाल्लाह उनका काम स्टार्ट होने वाला है वहाँ पर, तो साइड पर गए। तो अभी कॉल करते हैं फिर पूछते हैं बैठे या नहीं। तो मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी जाऊँ, मगर बाद में जाएंगे, पहले उनका अल्लाह अच्छे से काम उनका सेट करा दें वहाँ पर, तो फिर जाएंगे। तो अजीम भाई का अभी तक तो ये दिल्ली वगैरह ही, मुजफ्फरनगर पता नहीं कहाँ कहाँ, हरियाणा करनाल परनाल पता नहीं कहाँ कहाँ उनका काम चलता था, मगर पहली बार मुंबई में काम स्टार्ट हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआ की दरख्वास्त है कि अच्छा से वहाँ पर चलें, अच्छा से हो वहाँ पर काम। तो फिलहाल कॉल करते हैं फिर मिलते हैं। ये देखिए हमारा छोटा सा मिस्त्री देखो क्या कर रहा है, हम अंदर लेटे हैं और ये देखो मिस्त्री यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो कबीर ये हैं, मिट्टी निकाल रहे हो। अच्छा इस कन्नी से क्या होता है, घर बनता है इससे? हाँ अच्छा आप मिस्त्री हो? हाँ। नहीं आप स्टूडेंट हो, क्यूट से प्यारे से छोटे से स्टूडेंट हो, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, ये सब नहीं करते हाँ? बस सेंटा क्लॉज सेंटा क्लॉज सेंटा क्लॉज सेंटा क्लॉज देख रहे हैं इसका, बस सेंटा क्लॉज के कपड़े ही चाहिए इसको। भाई यहाँ पर वेट कर रहा है बाहर बैठ कर, पता नहीं क्या होगा बेटा। जब तक सब कमेंट नहीं करेंगे ना, जब तक सेंटा क्लॉज के कपड़े नहीं आएंगे, समझ रहे हो? हाँ तब तक नहीं आएंगे। इतना आंधी तूफान है, ये देखिए बबूला, ओ भाई सारी धूल मट्टी आंखों में, कहाँ जा रहा है मुझे छोड़ के, देख रो कितनी धूल मट्टी बबूला काट रहा। ओ भाई 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 गर्मी दूर हो गई रे, मजा आ रहा है यहाँ धूल मट्टी में। गाइस हमारा तो खाने का टाइम हो चुका है, खाना खाते हैं, और आंधी तूफान अभी भी है, बारिश बहुत तेजी की है, तो आज पूरी रात लाइट भी नहीं आएगी क्योंकि हमारे यहाँ पेड़ गिर गया है और खंबा भी टूट गया, तो पूरी रात लाइट नहीं आएगी, परेशानी का बहुत बहुत ज्यादा परेशानी है। तो अभी खाना खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी पापा भी बैठे हैं, पापा भी खा रहे हैं, नमाज का टाइम होने वाला है, कबीर भी खा रहा है, कबीर का दूध भी आ गया। तो पूरे घर में देखिए धूल ही धूल है, देखो कितनी धूल है, बहुत धूल धाल, बहुत इतना तगड़ा तूफान था बहुत ज्यादा। तो कौरमा खा रहे हैं, हमारा तो खाना पीना मस्त एकदम हो चुका है, और हम आ चुके हैं अपने बरामदे में, और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है बहुत ज्यादा। तो देखिए मम्मी और कबीर देखिए कैसे बैठे हैं। कबीर मजा आ रहा है भाई? हाँ। मजा आ रहा है। तो अभी अभी मुझे मुनीर भाई के ग्रुप में अपडेट मिली है कि पूरी रात लाइन नहीं रहेगी, कोशिश रहेगी उनकी, वो बोल रहे हैं कि अभी पीछे से बिजली घर से सप्लाई बंद है, और कोशिश रहेगी अगर लाइन चालू हो जाए, मगर नामुमकिन है क्योंकि पेड़ भी गिरा हुआ है और खंभा भी गिरा हुआ है, तो मुश्किल रहेगी कल दिन में ही लाइट आएगी। तो अभी बहुत ठंडी हवा चल रही है, मतलब मैं बता नहीं सकता इतनी ठंडी, तो यहाँ पर तो अगर हम सोते हैं ना बरामदे में मच्छर परेशान करेंगे, नहीं तो बहुत ठंडी हवा है, सुकून की नींद आएगी एकदम। तो फिलहाल खाना पीना मस्त एकदम हो चुका, फिर मिलते हैं आपसे। तो भैया आज तो हमारा बाहर जाना हो गया कैंसिल, क्योंकि बाहर आ चुकी है बहुत तेज बारिश, और बारिश में बाहर नहीं जा सकते। तो अभी हम सोच रहे हैं 9:30 तो बज चुके हैं, कुछ बाहर जाकर भी फायदा नहीं है बारिश में, तो फिलहाल एडिटिंग करेंगे, और जो भी आज मैंने आपको दिखाया उसी को प्यार देना, और आज मम्मी की कोरमा की रेसिपी भी मैंने दिखाई शेयर की तो उसको भी प्यार देना। फिलहाल इस व्लॉग को एंड करते हैं, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल बनी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।